तो आज हम रिव्यू का मैच शुरू करने लगे हैं और यहाँ पे पहला नॉक होता है मेरा, उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा नॉक करता हूँ, ये टीममेट को मारा होता है, उसके बाद ये तीसरा किल जो है ये टीममेट ले जाता है मेरा, तो दो नंबर जो है ये, और तीसरा जो यहाँ पे किल मेरा होता है ग्रेनेड मारता हूँ, उसे लगता नहीं है वो हेल्थ भर रहा होता है, मैं पीछे जा कर मार देता हूँ, उसके बाद ये नंबर वन को नॉक करता है, मैं पीछे से इसको उड़ा देता हूँ, उसके बाद ये मज़े से यहाँ पर एक एम लोड कर रहा होता है और यहाँ पर मैं इसको उड़ा देता हूँ, और उसके बाद मैं इसे मुक्के कराता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ड्रगज के पीछे एक बंदा छुपा होता है, इसको मैं उड़ाता हूँ, उसके बाद ऊपर ये मज़े से कैंपिंग कर रहा होता है, इसको मैं उड़ा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे M24 के साथ ये बंदा मारता हूँ, ये नंबर टू को नॉक करता है, इसके बाद इसको मैं उड़ा के नंबर टू को रिवाइव करके सामने एक और बंदा आया था बोट होता है, इसको उड़ा देता हूँ M24 से, फिर इस घर में एक बंदा इस घर में तो एक बंदा लेफ्ट के घर में होता है, पहले मैं इसको उड़ाता हूँ, उसके बाद सामने वाले घर में एक बंदा होता है वो ऊपर खिड़की में खड़ा होता है और किसी को फायर कर रहा होता है, मैं इसको नीचे से उड़ा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जी ये सामने एक बंदा जा रहा है जोन से बच के आ रहे होते हैं, एक ये दूसरा टीममेट इसका यहाँ लेटा होता है, उसको मैं M24 से उड़ाता हूँ, अभी ये M24 से उड़ेगा, चल दूसरी शॉट में मरता है, उसके बाद इनका टीममेट आ रहा होता है पीछे स्केट करके ना यहाँ से ही आया, इसको मैं M24 की शॉट मारता हूँ मरता नहीं है, फिर मैं इसके पास जा कर इसको प्यार से एक एम से उड़ाता हूँ, अभी देखना है यहाँ पर मैं बैलून लगाऊँगा इसके ऊपर चढ़ूँगा और इसके ऊपर से मैं इसको उड़ा देगा, यहाँ से उड़ गया, उसके बाद इस घर में यहाँ पे ये आता है जोन से, इसकी हेल्थ वैसे डाउन होती है, उसके बाद इस घर में होता है बंदा, इसको भी हम उड़ाता है, इसको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ, और इसके बाद यहाँ पर मेरी कॉम्पैक्ट टांगी होती हैं क्योंकि एंड होता है गेम का और मेरे 16 किल हुए होते हैं, मेरे को डर होता है बनाना मार से, अभी यहाँ मेरे पास है मेरी हेल्थ ज़रा चेक करो, इसके बाद एकदम हम इसको उड़ाता है और पीछे से मेरा मर जाता है, अब चुप करके मेरा पूरा मैच देखो, अगर लीव किया तो मैं तुम्हें चपेड़े मारूंगा, चुप करके मेरा मैच देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो वरना आई विल किल यू जी। प्लेन आ गया जी अब ब्रूस ली का, ब्रूस ली, और यहाँ पे हम उतर गए नीचे, उतरते साल ही मेरे को यहाँ बंदा ही बंदा था, मेरे को M24 मिला लेकिन नीचे नहीं जा सकता था क्योंकि बंदे ही बंदे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम आगे चलें, यहाँ पे हम लोगों को M416 मिल गई, मैंने M24 की जगह पे उठा लिए जो GCPT गन है, इसके बाद एक बंदा नॉक किया, उसके बाद दूसरे ने मेरे को उड़ा दिया, फिर हम मिनते करते रहा जी हेल्प हेल्प हेल्प, लेकिन फौजी के बच्चे खुद खेल रहे थे और रिवाइव कर ही नहीं रहे थे, और पीछे से वो भी मर गया, 2-3 भी मर गया, और फिर पीछे से यहाँ मैं जा रहा था मेरे को किसने उड़ा दिया, उसके बाद मेरे को तप चढ़ी भाई, फिर मैं जब रिकॉल होके आया ना, अब देखना रिकॉल होके आते साथ ही मैंने इनको ऐसा कुटा कि इनकी नस्लें याद करेंगी आगे, अभी देखना मर गया, अब रिकॉल होके मैं पड़ गया, उसके बाद ये नंबर टू आ गया था, गुस्सा इतना चढ़ा था, मैंने देखा नंबर टू उतर रहा है, मैंने इसको भी कुटना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में पता चला टीममेट है, अब ये यहाँ पे था, ये मेरा दूसरा किल, उसके बाद मैंने इसकी चीनी सीजन उठाई, बाहर एक और बंदा गया, उसके बाद मैं उसे मारने जा रहा था, नंबर टू ने पहले भाग के वहाँ से मार दिया, उसको मैं वापस गया, फिर मैंने चीनी सीजन उठा के जब वापस उधर आया तो उसके सामने एक बंदा था, उसको मैंने ग्रेनेड से मारने की कोशिश की थी लेकिन वो मरा नहीं, लेकिन उसकी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने भाग के जाके उसको UMP से उड़ा दिया, अभी देखना एक ग्रेनेड मारा है, उसकी हेल्थ बहुत डाउन हो गया, वो हेल्थ भरा था, ये हेल्थ लगा रहा है और मैंने उसे उड़ा दिया। Awesome. उसके बाद हम इस घर में बढ़े और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें चुकी और थोड़ा सा हम आगे गया ऊपर, जहाँ से हम ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ा तो वहाँ जी नंबर वन जो था उसकी हेल्थ कम होने लग गई थी और उसको नॉक कर दिया, अभी देखना मैंने यहाँ से जी AKM उठाई है, सामने वाले घर में मार्क लगा रहे थे कोई, मेरे को लगा बंदा है, मैं भाग के जी ऊपर चढ़ा, उसके बाद मैंने यहाँ से बलून पकड़ा और ऊपर छलांग मार दी, मैंने जाके देखा तो कोई बंदा नहीं था, सैड लाइफ। फिर हम वापस गया नंबर वन की यहाँ पे नॉक हो गया था, मैं पीछे मुड़ के देखा यहाँ बंदा लेटा हुआ था, इसको उड़ाया मैंने, उसको फुल कंप्लीट किया फिनिश मैंने, फिर मैं नंबर वन के पास दफा हो गया और उसको मैंने रिवाइव किया, सामने बंदा था, इसको मैंने बड़ी मुश्किल से रिवाइव किया, किट फेंक किया है और अब मैं वापस जा रहा हूँ उसके पास, सामने एक बंदा नंबर टू भाग के ऊपर चढ़ गया है, इसकी हेल्थ वहाँ पे थोड़ी सी कम होती है, किसी बंदे ने इसको मारा है, मैं ऊपर चढ़ाऊँ जी, AKM मैंने निकाल लिया है, इसके पास भी AKM थी, बंदे के पास ये रिलोड कर रहा था, उसकी छुट्टी कराई अभी, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर,
उसके बाद अब इसकी हम कब्र लूटेंगे, इसकी पेटी नहीं इसकी कब्र लूटेंगे। उसके बाद यहाँ पर जी सामने बना था ग्रेनेड फेंक, मैंने कैंपिंग कर रहा था ये, और सामने वो एक बंदा था दरख्त के पीछे छुप रहा था, इसको उड़ाया पहले मैंने, इसको फिनिश किया था कि वो ना इसको उड़ा दे। उसके बाद हम ऊपर गया, जब मैं ऊपर गया ही हूँ ना, नंबर वन भी पीछे से भागता हुआ आया स्पाइडर लगा के, मेरे को लगा ये किल ले लगा, इसलिए मैं भागता हुआ गया और इसको मैंने उड़ा दिया। इसको लगी एक दो ही थी, पता नहीं क्यों हेड शॉट एक लगी थी ना, मेरे ख्याल से इसका डैमेज हुआ था पहले से ही, नंबर वन ने शायद दिया हो, लेकिन फायरिंग की बात सुनी आई थी। उसके बाद यहाँ पर हम गुब्बारा लगा के नीचे गया, और उसके बाद सामने से एक बंदा जा रहा था नंबर टू को मारने, उसके बाद इसने नंबर टू को नॉक किया और यहाँ पर मैंने इसको एक हेड शॉट मारा, नहीं लगा दूसरा मारा, ये नॉक हो गया। उसके बाद हम इसको फिनिश करेगा नंबर, बल्कि नंबर वन ने फिनिश कर दिया। उसके बाद हम नंबर टू को रिवाइव करेगा, पहले स्मोक किया उसके बाद रिवाइव किया, और उसके बाद सामने से एक बंदा आ रहा था, उसको हमने M24 से दोबारा उड़ाया, पता नहीं वो बंदा था बोर्ड था, अभी देखते हैं क्या था वो बोर्ड था। उसके बाद हम यहाँ पर गाड़ी में बैठ के निकल जाता है इसकी लूट करके, आगे जाके मिर्चिंग के पास पहाड़ी के पास उसके वो जो घर हैं वहाँ पर हम फाइट लेते हैं। पहले यहाँ से यहाँ भागते भागते जाएंगे, गाड़ी पकड़ेंगे। चल भाई, यहाँ पर हम लोगों ने इसके गैस कैन और यहाँ पे इसको मोली को किया है, इसका पता नहीं अजीब सा ही कुछ निकला था, वो मैंने यूज़ करने की कोशिश की, वो यूज़ नहीं हुआ था, गाड़ी में बैठ गया था उस वक्त में, पता नहीं वो क्या था, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई क्या था ये। उसके बाद यहाँ पर गाड़ी में बैठ के हम भाई निकल गए, नंबर वन भी आ रहा था पीछे से, फिर हमने गाड़ी रिवर्स ली और नंबर वन को बीच में बैठाया। उसके बाद यहाँ पर जी नंबर वन बैठ गया, फिर उतर गया था यहाँ पे, इसको फिर हारन दे के बैठाया मुश्किलों से। अब हम निकल पड़े मिर्चिंग की तरफ, अब हम जा रहे थे यहाँ पर जी पहाड़ी के पास, हम लोग को फुटस्टेप मिले थे, हम लोग रुक के, हमने कहा पता नहीं एक बंदा होगा, लेकिन यहाँ थे दो, उसको हम लोगों ने फिर यहाँ पे एक को फायरिंग किया ना, वो घर के अंदर से छत पर चला गया, मैं पीछे भागता भागता गया, ऊपर जाके मैंने देखा वो नीचे फायरिंग कर रहा था, इसको उड़ाया मैंने। अब मैं बाहर गया हूँ, साथ साथ काफ़ी फुटस्टेप आ रहे थे, तो यहाँ से मैंने इसको उड़ाने की कोशिश किया, और ये दूसरे टीममेट को मारा था मैंने, नीचे से इसको खिड़की से उड़ा दिया। नंबर टू भागता हुआ उसके पास गया और इसको वहाँ से उसने फिनिश कर दिया। फिर मैं ऊपर गया, मैंने इसकी थोड़ी सी लूट की और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मेरे को काम का। फिर नीचे यहाँ पर आए, जोन की उस तरफ बंदे थे, पूरा स्क्वाड था उसको, हम लोगों ने यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि कोई नज़र आ जाए, लेकिन नहीं आए। फिर इस गेट लगा के सामने आ गए, इन्होंने नंबर टू को नॉक कर दिया। यहाँ पर मैंने एक को पहले नॉक किया, वो इस तरफ भाग के जा रहा था, ये सामने भाग के अब इधर अंदर जा रहा है घरों की तरफ, मैंने इसको उड़ाया। दूसरी तरफ एक बंदा लेट के यहाँ पे मोली फेंक रहा था मेरे पे, मैंने M24 पकड़ी, M24 से उसको एक शॉट मारी, उसको लगी थी लेकिन वो नॉक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दूसरी मारी वहाँ पे, दूसरी लगी थी उसको नॉक हो गया। तीसरा यहाँ पे जो उनका बंदा था वो स्केट करके आ रहा था, अभी देखना वो आया, इसको मैं M24 की एक शॉट मारता हूँ, ये अभी ये लगी इसको, लेकिन इसको लगती नहीं है। और उसके बाद यहाँ से मैं फिर अपना सप्रेसर उतारता हूँ एक एम्बर, क्योंकि शॉर्ट रेंज में इतना अच्छा नहीं होता, और फिर हम उड़ाता है इसको बैलून को, ऊपर जाके इसको ऐसे मारता है ठॉक, इसकी हेल्थ वैसे ही डाउन हुई होती है, और ऊपर से मेरा हेडशॉट लगता है कि हम कहीं उड़ जाता है। यहाँ पर जी हम इसकी अब लूट करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता, इसके पास UMP होती है, मेरे ख्याल से रिकॉल होकर आता है। दूसरी तरफ हम जाते हैं, यहाँ पे हम जोन आ रहा होता है, हम लोग यहाँ पे अपना लगाने लगते हैं। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना उसकी पेटी लूट लें। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे देखा, इसके पास 6x वगैरह था, मेरे को चाहिए था क्योंकि M24 पे लगाना था मैंने। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जी लगाया, उस तरफ से फायरिंग हो रही थी, मैंने यहाँ से लगा के नंबर वन के पास जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं इतना पहुँच नहीं पाया। चलो अब पहुँचा, पैराशूट मैंने खोले थे, क्योंकि अगर सीधा मैं जाता ना तो इसने थोड़ा पास ही उतर जाना था, पैराशूट खोला तो ये थोड़ा सा आगे गया। अब यहाँ सामने एक बंदा था, उसको मैंने यहाँ पे जाके उड़ाया। अभी इधर सामने एक, यहाँ मैं इस घर में जाता हूँ, वो मेरे को फुटस्टेप आते हैं, यहाँ से ना कोई पीछे जोन से आता है बंदा, उसकी वजह से हेल्थ डाउन हुई होती है, ऊपर से मैं उसको एक दो गोलियाँ मारता हूँ, वो बंदा मर जाता है। अभी ये देखना ये आ रहा है, इसको मैंने एक दो मारी है, मर गया। अब ये जो सामने में लगा रहे हैं, इसके अंदर फुटस्टेप वगैरह मुझे आते हैं, आवाज़ होती है, मैं भागता हुआ पहले इसको मैं मार करता हूँ। उसके बाद नंबर वन जो होता है वो ज़्यादा जज्बाती हुआ होता है, वो भाग के जा रहा होता है, मैं भी पीछे से चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको ऊपर से प्यारो पता नहीं से क्या कहते हैं ये जो डब्बा सा होता है, इसको मैं लगाता हूँ नीचे और ऊपर उड़ के जाता हूँ ऐसे, लेकिन मेरे को फ़ायदा कोई नहीं होता क्योंकि वो बंदा जो होता है वो नीचे होता है। अभी देखना, यहाँ से मैंने देखा नंबर वन भी आ गया उस तरह, और कुछ भी नहीं हुआ मिला यहाँ से, वो उस तरफ जा रहा है, और वो उस कमरे में जब घुसा मेरे को लगा उधर बंदा है, मैं इसलिए भागता उधर गया, इसके पीछे कहीं किला ले ले
लेकिन आवाज़ नीचे से आ रही थी मेरे को फुटस्टेप उसके, तो मैं भागता नीचे गया, वो भी बाहर आ गया। उसको पता नहीं चला मैं हूँ कहाँ पे, मैंने उड़ा दिया उसे। उसके बाद हम जब ऊपर गया, साथ इसके यहाँ बंदा आ गया था सामने, वो भी स्पाइडर उसके पास था, वो कमरे के अंदर घुस गया नंबर वन ऊपर चला गया। और फिर हम यहाँ पर इसके ऊपर ग्रेनेड करता है, लेकिन इसको होता कुछ नहीं है। ये भी ग्रेनेड इसके पास जाएगा, वो मेरे ख्याल से ऊपर होता है सीढ़ियों वाली तरफ होता है, और ये इधर कमरा उस तरफ नहीं होता। अभी दूसरा ग्रेनेड फेंक रहा होता हूँ कि जोन आया, तो फिर मैं ऊपर चला आता हूँ। अभी अगर मैं इसके ऊपर ग्रेनेड फेंकता ना तो इसने मार जाना था, क्योंकि इस कमरे की तरफ आया हुआ था। अब पीछे नंबर वन जज्बाती होकर अंदर जाता है, उसको नॉक कर देता है, और फिर मैं मेरी कहाँ पर टांग रही होती हैं, तीन बंदे रहते हैं यहाँ पे, और मेरे को उस तरफ से भी फायरिंग पार्टी होती हैं, यहाँ पे बंदे मार रहे होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे चुप करके बैठा रहता हूँ एक दो सेकंड। अब यहाँ पे मैंने अपने एक एनर्जी ड्रिंक लगाने का सोचा, पेन किलर लगाया, उसके बाद यहाँ पे मैं बैलून लगा के नीचे जाता हूँ, और यार वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, रॉकेट टाइप जो होता है वो, उसको मैं पकड़ के उस साइड पर चला जाता हूँ, रोड क्रॉस कर लेता हूँ ताकि जोन से मैं बच जाऊँ। अभी देखना, वो भी बाहर आया था, उसका मुझे पता नहीं चलता वो किस किधर से उस तरफ पहुंच जाता है, और मेरे को वहाँ से वो उड़ा देता है एंड पे। अब यहाँ पे मैंने ये लगाया है, अब मैं ऊपर जाके रोड मैंने क्रॉस करनी थी यहाँ से, मैंने यहाँ पे ऐसे लगा के इधर से शूट किया है और पहुंच गया मैं वहाँ पे। इधर पास बंदा था एक, अब मैं जैसे नीचे गिरा हूँ ना, उसने मुझे देख लिया, मैं यहाँ पर दरख्त के पास गया हूँ, भागता हुआ इसके पीछे मैं लेटा हूँ, मेरे को फायरिंग पड़ी है। अब ये देखो, ये एक फायर पड़ा है मेरे उस सामने से ना, मेरे पास आ रहा था, मेरी कहाँ पे फुल टांग रही थी, और मैं बैठा यहाँ पे और वो आ गया मेरे पास। मैं जैसे इधर हुआ हूँ, उसने मेरे को बहुत ज़्यादा नीचे डाउन कर दिया, और मैं यहाँ पे अगर किट लगाता तो मैंने मर जाना था, मैंने इसलिए फ़ौरन इसको मारा, और पीछे से किसने मेरे को उड़ा दिया। ये वही था जो वहाँ पे मिड स्टेन में था, ये पता नहीं इतनी जल्दी कैसे पहुँचे यहाँ पे। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो यार, बगैर तो सब्सक्राइब कर लो।